नमस्कार, टीएनबी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पे। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार। कहा, नहीं संभल रहा तो बताए, केंद्र को देंगे जिम्मेदारी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिए सख्त दिशा निर्देश। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालेबाजारी पर ले कड़ा एक्शन। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से मांगी ऑक्सीजन रिफिलर्स की लिस्ट। कल 10 बजे तक की दी है डेडलाइन। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने अदालत को बताया कि उन्हें जितनी ऑक्सीजन मुहैया कराई गई थी उसकी मात्रा को भी कम कर दिया गया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालेबाजारी कर रहे लोगों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। इसके साथ ही जब अदालत ने शांति मुकुंद अस्पताल से पूछा कि अभी स्थिति क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो सरकार से तंग आ चुके हैं, क्योंकि लोग मर रहे हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा कि सरकार कर क्या रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए हाईकोर्ट ने आप सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अगर आपसे नहीं संभल रही सिचुएशन तो हमें बताएं, हम केंद्र को स्थिति संभालने को कहेंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल की सरकार पर उनका विश्वास हिल गया है। उन्होंने कल 10 बजे से पहले हल्फनामा दायर करने को कहा है, जिसमें दिल्ली के ऑक्सीजन रिफिलर्स की जानकारी होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।